टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुमरा के रसीद कंपाउंड में कैसे अचानक लोगों ने किया हंगामा। मुमरा प्रभाग समिति के नए सहायक आयुक्त सागर सालुंके व उनकी टीम के साथ जो है वो आज दोपहर 2 बजे के करीब रसीद कंपाउंड श्रीलंका परिसर इलाके में गए थे, जहां इलीगल इमारतों पर कार्रवाई करने के लिए और कार्रवाई करके वापस आ रहे थे। रसीद कंपाउंड में हाथ गाड़ियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान कई हाथ गाड़ियों को जगह पर तोड़ दिया, जिसके बाद हाथ गाड़ियों के मालिकों ने इसके विरोध में पलटी मारा। विरोध में उतर आए, आखिर उनकी हाथ गाड़ी कैसे तोड़ी, देखते ही देखते काफ़ी लोग जमा हो गए और हंगामा खड़ा कर दिए। बहरहाल TMC के अधिकारी व कर्मचारी वहां से किसी तरह अपने दफ्तर चले गए, लेकिन इस बीच किस तरह का हंगामा खड़ा हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही हाथ गाड़ी है TMC के अधिकारियों ने तोड़ दिया था, जिसके बाद जिसको लेकर लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिला। दरअसल हाथ गाड़ी पे व्यवसाय करने वालों का कहना है, हम हाथ गाड़ी भाड़े पर लाते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपना घर चला सकें। यही वजह है कि भाड़े पर हाथ गाड़ियाँ लेकर हम व्यवसाय करते हैं और ऐसे में TMC की कार्रवाई से हमें काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन इस हंगामे के बाद मुमरा पुलिस को जानकारी मिली, जिन जिन लोगों ने अधिकारियों से बहस व झगड़ा करने की कोशिश की थी, उन लोगों को मुमरा पुलिस तलाश कर रही है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स।